इसरो के साथ देशवासियों को जिस क्षण का इंतजार था आखिर वो आ ही गया। दरअसल इसरो ने लैंडर और रोवर की चांद से वीडियो जारी की है। रोवर जब धीमी चाल से चल रहा है तब लैंडर ने इसकी तस्वीरें और वीडियो ली। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 मिनट 17 सेकंड का वीडियो शेयर किया और लिखा है कि लैंडर इमेजर कैमरे ने टच डाउन से ठीक पहले चंद्रमा की इमेज कैप्चर की। इमेजर कैमरे से हाई रिजोल्यूशन वीडियो में चंद्रमा की खूबसूरत सतह दिखाई दे रही है जो गड्ढों से भरी हुई है। जैसे जैसे लैंडर नीचे जाता है वैसे वैसे चांद की सतह ज्यादा बड़ी व स्पष्ट नजर आने लगती है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब चांद की सतह पर चल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी और वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के पहले के 20 मिनट को मिनट्स ऑफ टेरर बताया था, लेकिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लिए यह बहुत आसान वक्त साबित हुआ। लैंडर ने न सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बल्कि भारत को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना दिया। इसी बीच इसरो के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि टचडाउन से ठीक पहले विक्रम लैंडर को चांद कैसा दिखा। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की वजह से देश में हर ओर खुशी का माहौल है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ध्रुवीय सतह पर उतरकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को खूब सराहना और शुभकामनाएं मिल रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रयान 3 के चांद के पास पहुंचने के साथ ही भारत का नाम इतिहास के पन्नों में कैद हो गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सपना भी इसी के साथ पूरा हुआ।